माई चैनल टुडे इज गेमर। सो गाइस, अब जैसे कि आप सभी ने वीडियो का थंबनेल देख लिया हो कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले फ्री फायर के टॉप 5 सीक्रेट हिडिंग प्लेस के बारे में। तो यार, आप लोग इस वीडियो को जो है पूरा देखना, क्योंकि अगर आप लोग इस टॉप 5 हिडिंग प्लेस को जान लेते हो तो आप लोग जो है अपने फ्री फायर में इजिली जो है अपने रैंक को पुश करके जो है आसानी से हीरोइक तक जा सकते हो। और कैसे अगर आप हीरोइक से भी आगे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अपने स्कोर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो अगर ये मतलब टॉप 5 हिडिंग प्लेस को जान लेते हो तो। ठीक है, और गाइस मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले भी मैंने जो हिडिंग प्लेसेस की बहुत सारी वीडियोस बना रखे, तो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाके देख लेना। ठीक है, तो गाइस यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो को लाइक नहीं करते तो प्लीज़ हर वीडियो को जल्दी से लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करना, ताकि मैं कोई भी न्यू वीडियो डालूँ तो उसको नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। और यार, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना जो भी फ्री फायर खेलते हैं, जो भी रैंक पुश करना चाहते हैं, और कमेंट करके बताना कि आपको इन सभी में से सबसे बेस्ट वाला सीक्रेट प्लेस कौन सा लगा। ठीक है, चलो गाइस यहाँ पर हम लोग बात करते हैं अपने सबसे पहले वाले सीक्रेट प्लेस की, और जो कि हम लोग को मिल में देखने को मिलता है। ठीक है, तो यार आप लोगों को सिंपली मिल में आना है, जैसे कि आप लोग को बरमुडा मैप में मिल में आना है, और यहाँ पर गाइस आप लोग को एक पेड़ देखने को मिलता है जब नीचे की साइड में देखो गाइस, तो आपको सिंपली इस टाइप से करना है जैसे मैंने किया। आप लोग को पहले फ्रेंड को आपको बिठाना है जैसे इस पेड़ के सामने, जैसे बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं वहाँ पे, तो आप लोग किसी भी एक पे आ जाना है, जैसे कि आपको सिंपली इसी पे आना है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लो ये कौन सा पेड़ है, तो आपको यहाँ पे आना, और जैसे मेरा फ्रेंड वहाँ पे था तो आपको भी अपने फ्रेंड को बोलना है कि वहाँ पे बैठ जाए। ठीक है, और आपको सिंपली जंप करना है और यहाँ पे आपको पेड़ पे आ जाना है जैसे मैं आ गया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान से देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना मैं किस टाइप से मैंने चढ़ा। ठीक है, तो आप लोग सिंपली उस टाइप से देख लेना और कर लेना। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी है, और गाइस मैं आप लोगों को फिर से करके दिखाता हूँ जैसे मेरा फ्रेंड करेगा अभी। ठीक है, और मैं आप लोगों को बाहर से दिखाऊंगा कि अगर आप उस पर छुपते हो उस पेड़ पर तो बाहर से एनिमी को दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो देखो गाइस मेरा फ्रेंड वहाँ पर चला गया, ठीक है, उस पेड़ पर छुप गया है, और वो देखो गाइस मैं बाहर से दूर से देख रहा हूँ, तो अगर मान लो कि मैं एनिमी हूँ, ठीक है, तो मैं उसको देख ही नहीं पा रहा हूँ, और अगर मेरे फ्रेंड के पास गन होगा तो वो मुझे आराम से मार देगा, क्योंकि वो जो है मुझे आसानी से देख पाएगा, सिर्फ मैं उसको नहीं देख पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो पेड़ के पीछे, और ये मेरा फ्रेंड है, ये टीममेट है, इसलिए उसका नेम दिख रहा है, तो मुझे पता है कि फ्रेंड मेरा वहीं पर है। ठीक है, मेरा टीममेट वहीं पर, लेकिन यार अगर आप एनिमी हो गए तो आपको पता नहीं चलेगा कि वहाँ पर बंदा है, तो मतलब अगर आप इस पर छुप के अपना रैंक पुश करते हो इस पेड़ पर, तो आपको आपके लिए जो है बहुत ही बेटर होगा रैंक पुश करने के लिए। ठीक है, तो गाइस ये जो हो गया हमारा पहला हिडिंग प्लेस, तो यार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये हिडिंग प्लेस कैसा लगा। ठीक है, चलो गाइस हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे हिडिंग प्लेस के बारे में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग का दूसरा हिडिंग प्लेस है मार्स इलेक्ट्रिक में, तो यार सिंपली आप लोग को इस जगह पे आना है जैसे मैं आप लोगों को घुमा के दिखा रहा हूँ, तो सेम इस जगह पे आना है जहाँ पे ओल्ड ड्रम भी होता है। ठीक है, ओल्ड ड्रम रेड मतलब कि रेड ड्रम। ठीक है, आपको यहाँ पे आ जाना है, और जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो तो देखो साइड में आप लोगों को जो है ये बॉक्सेस देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे रखा हुआ रहता है, तो आपको सिंपली गाइस यहाँ पे जैसे मैं कर रहा हूँ इस टाइप से आपको यहाँ पर जैसे आपको क्या करना है, पहले इस पर चढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर देखो, और आपको जो ये कर्सर होता है आपको घुमाने वाला, ठीक है, आपको इस पर जो है इसको आगे की ओर करके रखना है। ठीक है, आगे की ओर स्लाइड करके रखना है, और आपको यहाँ पे जंप करना है, तो आप जैसे जंप करोगे तो आप यहाँ पे जो है चढ़ जाओगे। देखो इस टाइप से आप इसके अंदर घुस जाओगे जैसे मैं घुस गया हूँ, तो बाहर से आपको कोई भी नहीं देख पाएगा, और आप जो यहाँ पे बहुत ही आसानी से रैंक पुश कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पे देख लो एकदम से, मतलब अगर चाहो तो कोई बंदा अगर आपके नज़र में आ जाए इसके सामने तो आप आराम से मार पाओगे, और बंदा आपको देख भी नहीं पाएगा। ठीक है, लेकिन वैसे तो यहाँ पर अगर आप रैंक पुश करना चाहते हो, सिर्फ रैंक पुश करने में ध्यान देना चाहते हो, तो ये बहुत ही अच्छी है प्लेस, और फिर से मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि उस टाइम मैंने आपको ठीक से नहीं बताया, तो पहले देखो कैसे आपको जो आपका जो कर्सर है घुमाने वाला, इसको आपको आगे की ओर स्लाइड करके रखना है। ठीक है, आपको आगे की ओर करके रखना है, और आपको जंप करना है यहाँ पर सिंपली। देखो आपको यहाँ पर सिंपली आके बैठना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ये कर्सर जो है इसको देखो आगे की ओर करके ही रखना, और आपको सिंपली जंप करते रहना है, जंप करते रहना है, दो तीन बार में आप इजिली यहाँ पर जो है चढ़ जाओगे, तो इसके अंदर आप इस तरह से एकदम आ जाओगे। तो गाइस ये हो गया हमारा दूसरा सीक्रेट प्लेस, तो यार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको दूसरा सीक्रेट प्लेस कैसा लगा। ठीक है, तो चलो गाइस अब हम लोग बात करते हैं अपने तीसरे हेडिंग प्लेस के बारे में, जो कि हम लोग को जो है ऑब्जर्वेटरी में देखने को मिलता है। यार सभी को पता हो कि ऑब्जर्वेटरी में हम लोग को दो लॉन्च पैड देखने को मिलते हैं, तो आपको सिंपली इस वाले लॉन्च पैड पे आना है जो कि राइट साइड होता है। ठीक है, तो आपको सिंपली इस पे आना, और जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ आप लोग ध्यान से देख लो, अगर आप नहीं हो सकता तो आप लोग स्क्रीन शॉट मार के रख लो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से आपको सेट करना है इस डायरेक्शन को जैसे मैं किया हूँ, और आपको सिंपली यहाँ से इस टाइप से करके जो आपको सिंपली उड़ जाना है। ठीक है, आप उड़ने के बाद क्या होगा मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ। तो गाइस देखो आप जैसे उड़ जाते हो तो आप सिंपली यहाँ पे आ जाओगे, और यहाँ पे बैठ के जो है आप आसानी से रैंक पुश कर सकते हो अपना, और अगर आपके पास लूट अच्छे खासे होंगे, गन वन होंगे सभी कुछ, तो आप जो है नीचे वाले बंदे को मार पाओगे। और यार मैं आप सभी को बता रहा हूँ, अगर आप लोग यहाँ पे आओगे तो गन वन लूट के आना, सब कुछ मेडकिट वेडकिट सब कुछ ले लेना। ठीक है, तो गाइस ये बहुत ही मतलब अच्छी वाले सीक्रेट प्लेस है, तो यार आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये सीक्रेट प्लेस कैसा लगा। ठीक है, तो गाइस ये हो गया हमारा तीसरा हेडिंग प्लेस, तो चलो अब हम लोग बात करते हैं अपने चौथे हेडिंग प्लेस के बारे में, जो कि हम लोग को सीपीआर में देखने को मिलता है। तो गाइस सीपीआर वाला हेडिंग प्लेस आप लोगों को करने के लिए यहाँ पे गाइस आप लोग को इसके लॉन्च पैड में आना है, मतलब जैसे कि सभी को पता होगा सीपीआर में आप लोग को इस कुछ स्टेप में मतलब यहाँ पे आप लोग को एक लॉन्च पैड देखने को मिलता है, तो सिंपली आप सभी को यहाँ पे चढ़ना, और गाइस जैसे यहाँ पर आप लोग आते हो तो यहाँ पे आप लोग को पेड़ देखने को मिलता है, जिस पेड़ पर आप लोग को जो है सिंपली
कुछ इस टाइप का डायरेक्शन बनाना है जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है। आपको सेम इस टाइप का एम करना है और गाइस यहाँ पे आप लोग को जो है उड़ जाना है। तो गाइस जैसे आप लोग यहाँ पे उड़ते हो तो देखो गाइस जैसे मेरे साथ कुछ बग हो रहा था, मैं नीचे गिरने टाइप हो रहा था लेकिन गिरा नहीं, तो वो इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं जोन में फंसा हुआ, ठीक है। तो गाइस वीडियो बनाते बनाते मैं जोन में फंस गया था तो मुझे पता भी नहीं चला था, बस मैंने नो ब्लड करके रखा है इसलिए आप लोग को ब्लड देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो कुछ इस टाइप से जो आप इसके पेड़ के ऊपर आ जाओगे और यहाँ पे जो अगर आपके पास गन वन लूट के अगर आप यहाँ पे आते हो तो आप जो है बंदों को भी मार पाओगे। और मेरे पास ऐसे भी साइलेंसर वगैरह सभी कुछ था तो मेरा अगर बंदा दिखता तो मैं आप सभी को मार के भी दिखा देता, ठीक है। तो गाइस कुछ इस टाइप से जो है आप यहाँ पे आ सकते हो, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जो है चौथा हेडिंग प्लेस कैसा लगा, ठीक है। तो चलो गाइस अब हम लोग बात करते हैं अपने पांचवे हेडिंग प्लेस के बारे में जो कि आप सभी को जो है फर्गटरी मैप में देखने को मिलता है क्रॉस रोड के सामने, ठीक है। तो गाइस सिंपली हम लोग यहाँ पे आ गए पांचवे हेडिंग प्लेस की ओर, देखो। और यहाँ पर गाइस ये हो गया हमारा फर्गटरी मैप और यहाँ पे आप लोग को क्रॉस रोड के सामने आना है। तो क्रॉस रोड के सामने आप सभी को पता हो कुछ इस टाइप का आपको कंटेनर देखने को मिलता है, ठीक है। तो गाइस इस मतलब ये जो रेड कंटेनर है इसके सामने आपको जो है अपने फ्रेंड को बोलना है, अपने फ्रेंड को या आपको किसी को भी यार कोई भी कर सकता है, आपको लंबरगिनी लेके आना और सिंपली आपको इसमें जो है चलाते हुए घुस जाना है, ठीक है। जैसे मेरा फ्रेंड आप सभी को करके दिखा रहा है, ठीक है, जो मतलब जैसे कर रहा है सिंपली गाइस आप सभी को कुछ स्टेप से करना है। तो ये आप भी कर सकते हो, आपका फ्रेंड कोई भी कर सकता है, ठीक है। तो यार मेरा मतलब मैं आप लोगों को ठीक से दिखाने के लिए अपने फ्रेंड को बोला कि आप तुम करो, मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करता हूँ, ठीक है। तो कुछ स्टेप से गाइस जैसे कि मेरा फ्रेंड यहाँ पे लेके घुस गया, अब देखो गाइस बाहर से मेरा फ्रेंड दिख ही नहीं रहा। तो गाइस अब जैसे कि मैंने उस पर इन कर लिया, देखो अब मैं उसके अंदर इन कर लिया, ठीक है। तो गाइस देखो अब मैं मतलब बाहर से दिख ही नहीं रहा, मुझे अंदर का सीन दिख रहा है, मतलब जो भी अंदर में अगर कोई बंदा आके बैठ जाता है तो वो मुझे नजर आएगा, ठीक है। तो देखो अगर आप नीचे का आपको कुछ नहीं दिखेगा, जैसे कि देखो मैं देखो अब मैं निकल गया तो अब मुझे बाहर का दिख रहा है, ठीक है। तो गाइस देखो अब मेरा फ्रेंड उसके अंदर घुसता है, ठीक है। जब मेरा फ्रेंड इसके अंदर घुसेगा तो मैं आप सभी को दिखाता हूँ कि बाहर से अगर कोई देखता है अगर ध्यान से भी तो उसको दिखता है कि नहीं। तो देखो यार अगर अच्छे से हम लोग यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर हम लोग को जो है कोई देखने को नहीं मिलता है। तो अगर एनिमी अगर इस तरफ से आता है तो उसको सिर्फ एक लंबरगिनी ही देखने को मिलेगा, उसको जो है बंदा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन गाइस यहाँ पे से अगर वो बंदा अगर इसके अंदर जाता है तो आप जो है उसको देख पाओगे इजीली, ठीक है। तो गाइस इस टाइप से जो है आप यहाँ पर बहुत देर तक सर्वाइव कर पाओगे और आपका जो है रैंक पुश आसानी से हो जाएगा। तो गाइस आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इन पांचों हेडिंग प्लेसेस में से सबसे अच्छा हेडिंग प्लेस कौन सा लगा है। और वीडियो को लाइक करके तो प्लीज़ सर इस वीडियो को जल्दी से लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर तो जरूर कर देना। तो गाइस फिर मिलते हैं वीडियो के साथ, अभी आप सभी को गुड बाय।